हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे हैं आप सभी जल्दी से एक बार बता दें साउंड वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं सेशन को शुरू करने वाले हैं एक बार जल्दी से बताएं आज का जो सेशन है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का हो रहा है स्टार्ट वैसे तो हमारा यूनिवर्सल मोटर भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ही आता है ठीक है लेकिन यूनिवर्सल के अलावा अब जो चीज़ें आएंगी जो क्वेश्चन आएंगे वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो चलिए ध्यान से शुरुआत करते हैं यूनिवर्सल मोटर में का हमारा पिछले दो लेक्चर हो चुके हैं आज हमारा जो लेक्चर है वो है सिंगल फेस इंडक्शन में इंडक्शन मोटर पर यूनिवर्सल मोटर एक कैसी मोटर होती है वो होती है कम्यूटेटर मोटर ठीक है आज हमारा वो होती वो भी सिंगल फेस है अभी भी सिंगल फेस ही चल रहा है सिंगल फेज में आज हम इंडक्शन मोटर के जो प्रिंसिपल्स पर आधारित क्वेश्चन है उसकी बनावट पर आधारित क्वेश्चन है उससे जो क्रिटिकल तरीके से जो घुमा के क्वेश्चन पूछता है बस केवल वही डिस्कशन करेंगे फिर कल हम कुछ स्पेशल मोटर के बारे में पढ़ेंगे जो अलग जैसे स्प्लिट फेस हो गया कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन हो गया कैपेसिटर मोटर होगा तो अलग अलग सेगमेंट में अपन उनको क्वेश्चन लेंगे जैसे स्टोरिस मोटर है तो स्टोरिस मोटर के अलग से क्वेश्चन लेंगे तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका थ्योरी मैंने पिछली क्लास में शाम को चार बजे यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर पढ़ा दिया था थ्योटिकल पार्ट पढ़ाया था सारे प्रैक्टिस आपको यहाँ से करनी है चलिए स्टार्ट करते हैं जिन बच्चों ने अभी तक क्विज फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज अगर देना है तो एप्लीकेशन के अंदर हमारी कोइजेस चालू हैं वहाँ आप क्विज दे सकते हैं इसके अलावा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके अपनी कैटेगरी चूज़ कर लीजिएगा काफ़ी सारे हमारे साथ जुड़ चुके मोतीलाल भोई इस समय जुड़ चुके हैं कमलेश जुड़ चुके हैं इसके अलावा आपके वीके थोड़ा इस बड़ा कर दो साइज हल्के से ना मुझे तो भी दिखाएं तो एप्लीकेशन में आकर के अपना कंप्लीट कोर्स टेक्निकल स्पेशल कंप्लीट लेना है यानी सीवीटी वन सीवीटी टू साइको लेना है तो कंप्लीट लेना है आपको टेक्निकल लेना है तो टेक्निकल में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ट्रेड और साइको मिलेगा ट्रेड थ्योरी लेना तो केवल थ्योरी थ्योरी जैसे टर्नर है फिटर है मशीन स्टे इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग ड्राइंग लेना है जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में एनवायरमेंट हुआ है ना कंप्यूटर हुआ आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग उसका थ्योटिकल पार्ट हुआ ना तो ये सारी चीज़ें लेनी तो आपको यहाँ आना पड़े सब्जेक्ट स्पेशल में मैथ रीजनिंग वगैरह मिलेगा ठीक है मैराथन होने वाली संडे को ध्यान रखिएगा प्री ये मैराथन जो है मैथ वाले सर लेने वाले हैं एक मैराथन मैं भी लेने वाला हूँ इसके लिए अभी आपको आ, दिख जाएगा एप्लीकेशन के अंदर वो ट्रांसफार्मर के लिए मैराथन रहेगी है ना तो ट्रांसफार्मर की मैराथन यहाँ ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिशियन का आप कंप्लीट कोर्स लेंगे तो उसमें आपको मैथ रीजनिंग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग साइको ट्रेड थ्योरी इंजीनियरिंग ड्रॉइंग इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में इंजीनियरिंग ड्रॉइंग न्यूमेरिकल एनवायरमेंट कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट मिलेंगे जो कि ए के लिए ज़रूरी है जनरली और जो कोर्स वगैरह आप देख रहे होंगे बहुत सस्ते भी मिल रहे हैं चार सौ पाँच सौ हज़ार रुपये में भी कोर्स अवेलेबल है लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई चीज़ें हमें वहीं से पढ़नी चाहिए जहाँ सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर उस पर ही फोकस किया जा रहा हो ठीक है आप सस्ते के चक्कर में अभी तो ले लेंगे फिर दो दिन बाद फिर आप मेरे से आके सिर्फ एक ही बात बोलेंगे सर वहाँ तो एस के बच्चों के साथ हमें पढ़ाया जा रहा है पुलिस कॉन्स्टेबल के बच्चों के साथ पढ़ाया जा रहा है तो सस्ते के पीछे ना भाग करके आप क्वालिटी के ऊपर आएँ अच्छा कंटेंट क्वालिटी कंटेंट जहाँ मिल रहा है वहीं से पढ़ें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मार्केट में ऐसी भ्रामक टाइप की भी आ गई हैं तो आपको अब मालूम चला कि आप पढ़ तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल रहे लेकिन आपको मैकेनिक्स पढ़ाई जा रही है जिसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा परीक्षा में तो आप ध्यान रखिएगा आपको हमेशा और हमेशा ऑथेंटिक चीज़ देखनी है शाम को चार बजे हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्लास चल रही है उस क्लास में आइएगा जो बच्चे डेमो के लिए अगर कोई क्लास देखना चाहते तो हम डेमो में उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो वो डेमो में भी आकर के क्लास अटेंड कर सकते हैं सर आपने जिम ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स वायल पढ़ाइए ठीक है ठीक ठीक, ठीक। बेटा क्वेश्चन तो हमारे सारे मिलेंगे जो वायलेंग्वल मिलेंगे और जो थ्योरी आपको जो प्रिंट कराने के लिए दी जाती है वो भी वायल रहती है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को चलिए हमने अब हम मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डायग्राम बता रहा हूँ यहाँ पर फिर अपन पी वाई के ऊपर डायरेक्ट चलेंगे देखिए हम सिंगल फ़ेस इंडक्शन मोटर पढ़ने वाले हैं कौन सी मोटर पढ़ने वाले सिंगल फेस इंडक्शन मोटर पढ़ने वाले हैं और इस सब नेक्स्ट जो वीक हमारा रहेगा इसमें ये इस सारा चैप्टर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे अब ध्यान समझना सबसे पहली हम अगर हम बात डिवाइडेशन करते हैं, तो ये तीन प्रकार की होती है सिंगल फेस प्रेरण मोटर तुल्यान की मोटर यानी कि सिक्रोनस मोटर और आ जाती है डिग परिवर्तक यानी कम्यूटेटर मोटर ये तीन टाइप आपके सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के हो जाते हैं अब सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के अगर हम पहले वाले प्रकार के ऊपर पहले वाले प्रकार से बात करते हैं पहले वाला टाइप देखते हैं तो सिंगल फेस इंडक्शन टाइप होता है ये कौन सा होता है इंडक्शन और इंडक्शन पर रन करने वाली मोटर जो होती है जो भी मोटर इंडक्शन पर रन करेंगी वो कौन सी होगी पहली होगी स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर इसे प्रतिरोध मोटर भी कहते हैं रेजिस्टेंस मोटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें कुंडली कुंडलियाँ दो बनी होती है हमेशा सिंगल फेस मोटर के अंदर क्योंकि एक कुंडली के भरोसे पे इंजन मोटर जो होती है कभी भी रन नहीं करती सिंगल वन कुंडली होगी तो मोटर पल्सेटिंग गति करती है तो उसको रनिंग में कन्वर्ट करने के लिए दो आपकी वाइंडिंग होती है और उन दोनों वाइंडिंग में अगर, अगर अपन प्रतिरोध में अंतर कर दें किस में अंतर कर दें प्रतिरोध में अंतर कर दें तो वो बन जाती है स्प्लिट फेस ठीक है अगर हम उसके अंदर कैपेसिटर का यूज़ करें अब कैपेसिटर का यूज भी तीन प्रकार से किया जा सकता है पहला प्रकार कौन सा है भाई एक तो हम उसमें कैपेसिटर कुछ समय के लिए लगा के रखें इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप लगाना है पहली पसंद होती है कि सिंगल फेज इंडक्शन की पहली पसंद होती है इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप कैपेसिटर लगाना है अगर आपने वो लगाया तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो जाएगी जो कि सबसे ज़्यादा हैवी टॉर्क क्रिएट करेगी उसके बाद में फिर बोले कि कैपेसिटर उसमें लगा दिया अपन ने और लगा करके थोड़े टाइम के बाद जब वो मोटर रनिंग स्पीड में आ गई तो कैपेसिटर को क्या कर दिया हमने वहां से सेंट्रिफिकल स्विच के माध्यम से कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को हटा दिया तो कैपेसिटर मोटर हो जाती है मैं छोटे छोटे शब्दों में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसकी थ्योरी पढ़ा चुका था एप्लीकेशन के अंदर मैं यहाँ पर आपको सारे सारे पीवाई कराने वाला हूँ एक भी पीवाई आपका छूटेगा नहीं दस साल के सारे पीवाई क्यू में यहाँ पे कवर करूंगा इसके बाद में परमानेंट कैपेसिटर में क्या हो जाएगा एक पेपर टाइप अब इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप नहीं पेपर टाइप कैपेसिटर को परमानेंट तरीके से का मोटर से जोड़ के रखो तो वो मोटर कौन सी बनेगी फिर वो बन जाएगी छत के पंखे वाली मोटर ठीक है परमानेंट इसमें हमेशा जोड़ता रहेगा जोड़ा रहेगा आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में और ये दोनों वाइंडिंग हमेशा जब तक पंखा चलेगा तब तक वर्क करती रहेंगी ठीक है थीके? इसके बाद में आ जाता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इसमें दो कैपेसिटर लगेंगे एक पेपर टाइप एक इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप ये भी जुड़े रहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप रनिंग कंडीशन में लाएगा और रनिंग कंडीशन में ला के हैवी टॉर्क जनरेट करके जैसे अपन हो ना बहुत सारा अगर आ, सामान हो और ठेले पर रखा हो तो शुरुआत में अगर ठेले को लगा धक्का देना हो तो धक्का में शुरुआत में ताकत ज़्यादा लगती है कोई भी गाड़ी को स्टार्ट करना हो शुरुआत में धक्का ज़्यादा एक दो तीन करके धक्का लगाना हो तो एक दो तीन वाला वो जो सीन है ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर करता बाद में पेपर टाइप कैपेसिटर उसको रन कर देता है मतलब कैपेसिटर के आधार पर ये तीन प्रकार की हो जाती है तो इसके विषय में अपन को कल इसके न्यूमेरिकल देखने पड़ेंगे कैपेसिटर मोटर में कल कल की क्लास में आपको कंप्लीट करा दूंगा है ना आ, मतलब मंडे को है ना और शेडेड पोल मोटर जिसमें पोल को शेडेड कर दिया जाता है तो वो भी आपके इसी इंडक्शन वाली मोटर में ही आ जाती है लेकिन इसमें कैपेसिटर का उपयोग नहीं होता है इसमें और स्प्लिट इस फेज में कैपेसिटर का उपयोग नहीं होता केवल इन तीन में ही कैपेसिटर का उपयोग होता है क्लियर है फिर उसके बाद में इंडक्शन का टाइप खत्म हो जाता है फिर आ जाते हैं सिक्रोनस सिक्रोनस मोटर आ जाती है सिक्रोनस में रिलेक्टेंस मोटर आ जाती है स्टोरेज मोटर इन दोनों को अपन एक साथ कंप्लीट पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट डे में फिर उसके बाद में आता है एकल एक फेस कम्यूटेटर मोटर कंप्यूटेटर मोटर में रिपल्सन मोटर होती है यूनिवर्सल मोटर यूनिवर्सल मोटर के मैंने पीवाईक्यू क्यू आपको करा दिए भर भर के पीवाईक्यू क्यू आते हैं सिंगल फेस इंडक्शन में भी बात करेगा तो यूनिवर्सल मोटर के भर भर के पी वाई क्यू देगा आपको है ना रिपलसर मोटर भी पड़ेगी तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा लास्ट में ये रहेगी इन दोनों में कम्यूटेटर का इस्तेमाल होता है है ना इसमें कम्यूटेटर लगा रहता है इसकी कम्यूटेटर की के ऊपर एक रिंग लगी होती है रिंग की दिशा बदलने पर इसकी मोटर की स्पीड को घटाया बढ़ाया और विपरीत दिशा में भी किया जा सकता है तो इसके विषय में अपन बाद में बात करेंगे चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को थियोरटिकल पार्ट भी इसमें अवेलेबल है तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है पहला क्वेश्चन है ना जब बच्चे कोशिश करेंगे कि भाई इस प्रश्न का जवाब दें सिंगल फेस आपूर्ति के संयोजन सिंगल फेस कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है बताइए सिंगल जो आपकी तो सॉरी सॉरी चलिए स्टार्ट करो यहाँ सिंगल फेस आपूर्ति के लिए संयोजित सिंगल फेस फेस कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है बताइए जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो होती है इसमें आपका दो वाइंडिंग रहती हैं भाई मैं अगर तार्किक बनाता हूँ आपके लिए तो ये वाली एक आपकी कौन सी वर्निंग है ये स्टार्टिंग वर्निंग मैंने लगा दी और ये मैंने कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर आप देंगे सिंगल फेस सप्लाई भाई इसमें दे देंगे सिंगल फेस सप्लाई देंगे ठीक है इसमें सिंगल फेस सप्लाई देंगे और ये रहा आपका रोटर अब आपसे पूछा जा रहा है अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर हम इस वाली वाइंडिंग का उपयोग नहीं करें इस वाली वाइंडिंग का उपयोग नहीं करें और सिर्फ एक वाइंडिंग रखें सिर्फ एक वाइंडिंग रखें यानी कुल मिलाकर के मैं आपसे कहूं तो ये वाली वाइंडिंग अगर हटा दी जाए और सिर्फ एक वाइंडिंग रखी जाए तो बताइए इसके अंदर क्या होगा तो मैं कुल मिलाकर करके इस चित्र को पूरा ही मिटा दे रहा हूं अभी और मिटा करके मैं आपको मोटर का जो एक्चुअल डायग्राम होता है वैसा बना देता हूं जैसा आपको दिखाई देता है प्रायोगिक रूप से है ना प्रायोगिक रूप से जो दिखाई देता है ध्यान से सुनना मैंने इस पूरे स्टेटर के अंदर सिर्फ एक वाइंडिंग भर दी मैंने इस पूरे स्टेटर के अंदर एक वाइंडिंग भर दी है ना ये वाला भाग आपका केवल स्टेटर है मैं समझा समझा के इसलिए करा रहा हूँ ताकि हर बच्चा उसको समझ सके ये स्टेटर वाला भाग है स्टेटर वाला जो भाग है ना इसके साथ में ये जो है और ये रोटर है तो मुझे बस ये बताइए रोटर कैसी गति करेगा क्या घूर्णित गति क्या स्पंदन करेगा पल्सेटिंग करेगा क्या स्थाई रहेगा मतलब स्थिर रहेगा मतलब फिर जैसा है वैसे ही रहेगा जीरो स्पीड रहेगी क्या घूर्णन करेगा क्या अवशिष्ट रहेगा कि एक्साइटेड होगा गर्म होगा कहता ये क्या होगा इन सब में से क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा बहुत बढ़िया शानदार तो ये करेगा पल्सेटिंग गति पल्सेटिंग पल्सेटिंग गति क्या होती है समझ लो जरा पल्सेटिंग गति वो गति होती है जिसमें किसी एक निश्चित दिशा में घूर्णन ना हो मतलब जैसे इस तरीके का टॉर्क जनरेट नहीं होगा पहली बात और ये क्या करेगा इस तरीके का मूवमेंट करेगा तो ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है परीक्षा में ये भी पूछ सकता है आपसे देखो मैं एक प्रश्न के अंदर कौन से दोनों तीनों चीजें बता दे रहा हूँ लगा दो फिर बक कर देना दोनों चीजें बता दे रहा हूँ इसमें इधर को भी टॉर्क जाएगा इधर को भी टॉर्क जाएगा ये सिद्धांत कौन सा अब यहाँ सिद्धांत भी समझ लो क्वेश्चन एक है मैं बारीकी की बात सारी बता दे रहा हूँ ये डोल मतलब द्विकर्षित चुंबकीय क्षेत्र हो गया है ना ये या कह सकते हैं दोहरी फील्ड थ्योरी हो गया या क्रॉस फील्ड थ्योरी इसे कहा जाए सीधे शब्दों में तो ये सही रहेगा इसे बोला जाता है क्रॉस फील्ड थ्योरी ठीक है अब किसने दिया कब दिया क्या सिद्धांत है इसको नहीं पढ़ना है परीक्षा में ना तो पूछा गया ना ही पूछा जाएगा और ना ही मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बस इतना ध्यान रखना दोनों तरफ टॉर्क होगा इधर भी टॉर्क होगा इधर भी टॉर्क होगा दोनों टॉर्क एक दूसरे से काट देंगे ना तो रोटर इस तरफ घूम सकता ना रोटर इस तरफ घूम सकता ऐसे में ये क्या करेगा इस तरीके का स्पंदन करेगा यानी कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को एक कुंडली पर पा चला पाना संभव नहीं होता है इसके लिए दूसरी कुंडली का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरी कुंडली होगी तभी जाके घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट होगा तो ये वाली बात आप समझ गए होंगे क्रॉस फील्ड थ्योरी कहा जाता है इसे क्या कहते हैं क्रॉस फील्ड थ्योरी है ना चलिए आ गया answer, इस प्रश्न का आंसर स्पंदन यानी पल्सेटिंग पल्सेटिंग ठीक है गति करेगी अगला क्वेश्चन आप आ जाइए चलिए मैं अभी ल, लगवा अगला गलत फाइल थी हेलो हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं अगला ये क्वेश्चन हो गया अगले क्वेश्चन पे आ जाइए एकल फेस प्रेरण मोटर में स्प्लिटर जुड़ा रहता है स्प्लिटर किससे जुड़ा रहता है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में स्प्लिटर जो है वो किससे जुड़ा रहता है स्प्लिटर जो है किससे जुड़ा रहता है स्प्लिटर किससे जुड़ा रहता है ध्यान सुनो इधर ध्यान दो या आप स्प्लिटर कह दो या आप क्या कह सकते हो आप इसको देखो ये मैंने बनाया सेंट्रीफ्यूगल मैं पूरा नाम लिख देता हूं यहां पर स्विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच बनाया है ठीक है और इसका ये रोटर है ठीक है अब दो कुंडलियां है हमारे पास पहली कुंडली रनिंग है दूसरी कुंडली स्टार्टिंग है रनिंग कुंडली के साथ में है ही सिंगल फेस सप्लाई जुड़ी सिंगल फेस सप्लाई तो ध्यान सुनो ये कौन सी कुंडली भाई ये है रनिंग कुंडली रनिंग है और ये कौन सी है भाई ये स्टार्टिंग है तो हमें इनके और इनके बीच में क्या करना है प्रतिरोध का अंतर करना है प्रतिरोध का क्या करना है अंतर करना है प्रतिरोध का अंतर करने के लिए या तो आप क्या लगाएं एक स्प्लिटर लगाएं या फिर आप क्या करें दोनों वायरिंग के जो वायर हैं उसकी मोटाई में अंतर कर दें मोटाई के साथ साथ और क्या कर सकते हैं उनके जो खांचे हैं जो क्योंकि मोटर तो ऐसा दिखाई देगा ये तो तार्किक रूप है तो मोटर के जो खांचे बनेंगे जो खांचे इस टाइप के जो खांचे बनेंगे इनकी गहराई कम या ज्यादा करें तो ऐसा करने से आप मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया अगर मान लीजिए दोनों तार समान है सब कुछ सेम चल रहा है ये वायर और ये वाइर्निंग दोनों वायरनिंग सेम तार की बनी हुई है सेम गहराई पे है और ऐसी कंडीशन में आपको स्प्लिटर लगाना है तो स्प्लिटर कहाँ लगेगा तो ध्यान रखिएगा जो हमारी मेन वाइंडिंग होती है रनिंग वाइंडिंग होती है इसे प्रारंभिक है ना स्टेटर वाइंडिंग रोट आप क्वेश्चन को जरा समझ लो पूरा ऑप्शन की बात करो प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में दूसरा पूछा गया है द्वितीयक वाइंडिंग के साथ में यानी स्टेटर वाइंडिंग के साथ में समानांतर में स्टेटर के समानांतर में लगाएंगे कि आपके रोटर के रोटर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाएंगे या रोटर वाइंडिंग के समानांतर क्रम में लगाएंगे जल्दी से बताएं इस प्रश्न का जवाब इतना बात समझ में आ गई क्या जल्दी से बताओ ये तीन नंबर क्वेश्चन है तीन का बताएंगे आंसर सभी लोग है ना देखो यहां पर क्या है रोटर है रोटर की जो वाइंडिंग लगी होगी रोट देखो मैं आपको इसको पूरा चित्र बना के बता देता हूँ रोटर वाइंडिंग जो होगी उसके साथ में हम श्रेणी क्रम में इसको लगा करके रख देंगे ठीक है दूसरी बात अगर इसको फेस को स्प्लिट करना है ध्यान सुनना फेस को स्प्लिट करना है तो हम क्या कर सकते हैं प्राइमरी कॉइल जो हमारी रहेगी उसके साथ में श्रेणी में एक रेजिस्टेंस लगा कर रखेंगे ये रेजिस्टेंस क्या होता है ये प्रोटेक्टिव होता है प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस ठीक है अगले क्वेश्चन पे आ जाइए अगला क्वेश्चन रोटर पर पहुंचने पर अपकेंद्रीय स्विच वियोजित हो जाता है रोटर पर पहुंच मतलब रोटर की एक स्पीड पर पहुंचने पर एक निश्चित स्पीड में पहुंचने पर अपकेंद्रीय स्विच हट जाता जा है अपकेंद्रीय स्विच मैकेनिकल टाइप भी होता है इलेक्ट्रिकल टाइप भी होता है मैं आपको बता देता हूं देखो ये मेन वाइंडिंग है ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है ठीक है मैं वैसे ही बना रहा हूं और चाहो तो आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हो तीनों कहीं किसी भी दिशा कभी कहीं पर भी लगा सकते हो आप मैंने यहाँ पर लगा दिया ये आपके लिए मैंने सेंट्रिफिकल स्विच का एक टाइप बनाया है ना ये सेंट्रिफिकल स्विच है सेंट्रिफिकल स्विच यानी अपकेंद्रीय स्विच अपकेंद्रीय स्विच जब ये जो रोटर होता है ना रोटर रोटर के शाफ्ट पे लगाया जाता है रोटर की शाफ्ट पे लगाया जाता है शाफ्ट जब रोटर के शाफ्ट कितना घूमने लग जाए कितना मैक्सिमम घूमने लग जाए कि ये अपने आप खुल जाए देख रहा होगा आपने एक खिलौना देखा होगा या एक, एक चीज मतलब एक शाफ्ट है इस शाफ्ट में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी करके एक एक गोल भारी भरकम चीज़ लगा रखी है जो इससे क्या है कनेक्ट है इससे क्या है टच में इससे टच में अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, भाई ये है शाफ्ट ये कोई शाफ्ट है शाफ्ट के साथ में ये आपका कोई भारी भरकम चीज़ है ये इसके साथ में क्या है कनेक्ट है इस तरीके से जुड़ी हो अगर मैं इसको घुमाता हूँ तेज़ स्पीड से घुमाता हूँ ये नीचे पंखे की पूरी बॉडी वगैरह है इसकी शाफ्ट है ना अगर मैं इसको बहुत तेज़ स्पीड से घुमाना शुरू कर दूँ मैं इसको बहुत तेज स्पीड से घुमाना शुरू कर दूँ इसकी आर बहुत स्पीड से बढ़ा दूँ आर बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो पता ही क्या होगा ये मैकेनिकल टाइप में बनाया इलेक्ट्रिकल टाइप में बहुत तेज़ आर घुमाए तो ये अपने आप ही दूर जाने लग जाएंगे दूर चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सत्तर पचहत्तर से अस्सी परसेंट रनिंग में आ जाएगा सत्तर से ऊपर जाती पिछहत्तर से अस्सी के बीच में जैसे ही आएगा रनिंग में रनिंग में आएगा तुरंत ये हट जाएगा ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर बोलो या ना चलिए आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन अगले क्वेश्चन पे आ जाइए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है सिंगल फेस एसी मोटर को स्वचालित यानी सेल्फ स्टार्ट बनाने को के लिए मुख्य वाइंडिंग के साथ जोड़ना आवश्यक होता है जल्दी से बताओ भाई बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा होगा अभी ये आपको है ना आसानी से आप कर भी सकते हो जल्दी से एक बार शेयर कर दो सभी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में एक बार शेयर करेंगे सभी बच्चे चलिए बताइए कौन सी कुंडली को रखना पड़ता है यहाँ पर ध्यान दो ये आपकी स्टार्टिंग वाइनिंग है ये आपकी रनिंग वाइनिंग है मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ कैसा भी चित्र बना सकते हो आप और ये आपका रोटर है दो सेकंड ये आपका क्या है रोटर है रोटर के साथ में एक सेंट्रीफिगल स्विच हमेशा लगा रहेगा अगर सेंट्रीफिगल स्विच कहाँ नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा परमानेंट कैपेसिटर मोटर में नहीं होगा ठीक है साइंटिफिकल यहाँ पर आपकी सिंगल फेज सप्लाई आएगी ठीक है ये बात समझ में आ गई तो ये रनिंग वाइंडिंग तो 24 घंटे वर्क करती है मतलब जब तक मोटर चलेगी तब तक ये रनिंग वाइंडिंग हमेशा चलती रहेगी और रोटर हमेशा घूमता रहेगा लेकिन इस रोटर को शुरुआत में घुमाने के लिए स्टार्ट में स्टार्ट में मतलब प्रारंभ में घुमाने के लिए हमें एक अतिरिक्त वाइंडिंग लगानी पड़ती है कौन सी वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग लगानी पड़ती है ठीक है स्टार्टिंग वाइंडिंग पड़ती है। तो वो कौन सी वाइंडिंग है, है हमेशा मंदन लगानी पड़ेगी क्या कंपनसेंटिंग वाइंडिंग लगानी पड़ेगी क्या तो अवमंदन वाइंडिंग चीज अलग हो जाती है कंपनसेंटिंग वाइंडिंग चीज अलग हो जाती है ये दोनों वाइंडिंग कौन सी होती है इसके विषय में आपको यहां बता देता हूं अगर आपने कंपनसेंटिंग वाइंडिंग लगाई है कौन सी लगाई सीम ये वाला कंपनसेंटिंग लगाई वाइंडिंग लगाई है तो ये लगेगी आपके स्टेटर पर और ये हमेशा लगी होती यूनिवर्सल मोटरें जहां पर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहे हो वहां लगेगी स्टेटर पे लगेगी और डैम्पिंग वाइंडिंग कहां लगेगी ये वाली अवमंदन वाइंडिंग होती डैम्पिंग वाइंडिंग ये कहां लगती है ये आपके आ, सिक्रोनस मोटर में भी लगती है और ये आपके अल्टरनेटर में भी लगती है तो ये भी क्या करती है ये भी कंपन समाप्त करती है डैम्पिंग वाली किस में लगी? अल्टरनेटर में भी लगेगी और सिक्रोनस ये यहाँ पर लगी होती है अगर इनके बारे में नहीं मालूम है अवमंदन वाइंडिंग एंड डैम्पिंग वाइंडिंग अल्टरनेटर और सिक्रोनस मोटर में लगी होती है जो कंपन समाप्त करती है प्रतिकारी वाइंडिंग स्टेटर पर लगी होती है यूनिवर्सल मोटर में जो ये भी कंपन समाप्त करती है ये दोनों इनमें लगी होगी कभी भी ऑप्शन आए क्वेश्चन आए कि अल्टरनेटर में वाइब्रेशन को समाप्त करने के लिए किस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है तो बोलना डैम्पिंग वाइंडिंग अगर बोलता है यूनिवर्सल मोटर में वाइब्रेशन को समाप्त करने के लिए वाइब्रेशन को किसी और वर्डों में बोल सकता है तो आपको बोलना है किसके आ, कौन सी वाइंडिंग बोलनी है स्टेटर पर लगाई जाएगी और आपकी कंपनसेंटिंग वाइंडिंग लेकिन यहाँ पर ये दोनों वाइंडिंग नहीं आएंगी यहाँ पर ये दोनों वाइंडिंग नहीं आएगी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये सारी बात क्योंकि आप लोगों के नोट्स बन के भी तैयार हो जाएं ये शब्द एक ही बार देखने को मिल रहा है आपको यहां पर उसके बाद में ये आपको कहा देखने को मिलेगा सिक्रोनस मोटर में देखने को मिलेगा डैम्पिंग और ये आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सल मोटर यानी ये दोनों तो नहीं हो सकती रनिंग वाइंडिंग मैंने आपको बता दिया ये 24 घंटे वर्क करेगी तो बचा क्या सहायक वाइंडिंग सहायक वाइंडिंग ही इसका ऑप्शन रहेगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऐसा एक बात बताओ इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझा हमें दस क्वेश्चन क्लियर हुए हमने समझा एक क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन कितने क्लियर हो गए आठ से दस क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ पर हमने डैम्पिंग वाइंडिंग को अल्टरनेटर के साथ समझ लिया कि यहाँ वाइब्रेशन को समाप्त करेगी हमने कंपन uh, सेंटिंग जो स्टेटर पर लगाई जाएगी इसको समझ लिया जो यूनिवर्सल मोटर में होगी डैम्पिंग वाइंडिंग हमेशा किस पे लगाई जाएगी रोटर पर रोटर डैम्पिंग वाइंडिंग हमेशा किस पे लगाई जाएगी रोटर पर लगाई जाएगी और आपके कंपनसेंटिंग वाइंडिंग जो मैं यहां लिख देता हूं ये किस पे लगाई जाएगी ये हमेशा लगाई जाएगी स्टेटर पर लेकिन सिंगल फॉस फेस मोटर को स्टार्ट करने के लिए जिस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है वो होती है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग सहायक वाइंडिंग डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर अगले पर आ जाए जब तक चारों ऑप्शन के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज नहीं हो ना व्यक्ति को तो मजा नहीं आता मतलब हर चीज को पढ़ाने का मजा तभी है कि भैया ये अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं क्वेश्चन कम ही कराऊंगा भले ही से, लेकिन आपको इतना अच्छा कंटेंट यहाँ आपका डाउट जो है मन में वो क्लियर हो जाए मजा आ जाए एक बार को एकल फेस यानी सिंगल फेस व्यवसायिक के रूप में निर्मित होती है सिंगल फेस इंडक्शन जो मोटर होती है सिंगल फेस मोटर जो होती है इस मोटर का जो उपयोग है वो घरेलू और घरेलू और मुझे व्यवसायिक दोनों बताओ तो घरेलू में इस्तेमाल होती है एक बटे बत्तीस एच पी से चालू हो जाएगी यानी घड़ी के अंदर जो मोटर लगी होगी वो भी आपकी यहां मान लो है ना और यहां से चालू हो जाए एक एचपी तक तो आप कहाँ पे इस्तेमाल में ले लोगे घरों में इस्तेमाल ले लोगे घरेलू रूप से व्यवसाय जैसे आपके समर सेवल पंप होता है एक एचपी का बोलते बोलते सात सौ छियालीस वाट का बोलते हैं ठीक है एक एचपी तक व्यवसायिक में कितना हो जाएगा व्यवसायिक में हो जाएगा दो एच पी अगर दो एच पी से ज्यादा कोई लगाता है तो वे कॉमर्शियल ठीक है अगर आटा चक्की वालों के पास जाओगे तो दो एचपी तक का कनेक्शन चलो ठीक है मान सकते हैं सॉरी दो एचपी तक का आपको व्यवसायिक के रूप में लेना आटा चक्की वालों के पास जो कनेक्शन मिलेगा वो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का दो एच का मिलेगा अगर मान लो आपको व्यवसाय में थ्री थ्री थ्री, थ्री फेज सप्लाई लेनी है तो फिर आप 10 एच भी लगा सकते हो 20 एच भी लगा सकते हो उससे ऊपर भी लगा सकते हो फिर आपके ज़्यादा ऊपर लगाओगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा ट्रांसफार्मर का एक पर्सनल ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ेगा बिजली कंपनी से ठीक है उसका पैसा अलग दिया जाता है सर मेरा नाम नहीं लिया ब्योतीलाल भोई नाम मैं ले सकता हूँ लेकिन चक्कर है मेरा फोकस अभी सारा पढ़ाने पर है ना मजा तब आता है जब चीज़ें पढ़ाने पढ़ने वाले अच्छे मिल जाएँ और पढ़ाने वाला अच्छा मिल जाए ठीक है तो बी ऑप्शन सिंगल फेस मोटर को आप दो एच पी तक अच्छा लेकिन एक बात बताओ बिना मतलब का क्वेश्चन ही गायब हो गया क्या भाई मेरे अच्छा ये क्वेश्चन ही गायब हो गया क्वेश्चन गायब हो गया घरे चलो अगला क्वेश्चन देखो चलो उसका क्वेश्चन नहीं आंसर था है ना अगला क्वेश्चन एक कला मोटर की एक विशेषता है कि यह है बस एक छोटा सा क्वेश्चन है हर बच्चा जवाब दे देगा देखो मैं मजा देखो तुम्हें तो मजा तब आएगा क्लास में जब तुम्हारे थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे थ्योरी और कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है ना आप टेक्निकल का हर क्वेश्चन बना सकते हो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना पाओ ठीक है चलिए करें बताओ देखो सिंगल फेज मोटर कभी भी क्या नहीं होती सिंगल फेज सप्लाई जहाँ जहाँ होगी सिंगल फेज सप्लाई जिस जिस मोटर में दी जाएगी वो सेल्फ स्टार्ट कभी नहीं हो सकती तो फिर किसी मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए किसी भी मोटर को दुनिया की कोई भी मोटर हो उस मोटर को अगर तुम्हें सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो हमेशा और हमेशा ध्यान देना सिंगल फेज से तो नहीं बन सकती तो कितने फेज चाहिए कम से कम दो फेज चाहिए और अगर तीन फेज हैं तो इसकी दक्षता और अधिक हो जाएगी मतलब सिंग दो फेज वाली मोटर भी सेल्फ स्टार्ट होती है और थ्री फेज मोटर भी सेल्फ स्टार्ट होती है दोनों होती हैं लेकिन इसमें जो कह सकते हैं एफिशिएंसी दक्षता किसकी अच्छी रहेगी तो सिंगल फेज की सिंगल फेज़ तो होती ही नहीं है सेल्फ स्टार्ट तो सेल्फ स्टार्ट क्या सिंगल फेस कभी नहीं होती है तो सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो उसके अंदर मोटर के अंदर सिंगल फेस को डुबल फेस में कन्वर्ट करना पड़ता है वो कन्वर्जन की विधियां अलग अलग है ना लेकिन टू फेस मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्ट होती है इसके अलावा थ्री फेज मोटर भी सेल्फ स्टार्ट होती है लेकिन थ्री फेस जो होती है उसकी एफिशेंसी अच्छी हो जाती है दक्षता अच्छी हो जाती है चलिए तो यहां बोला गया है स्वतः प्रवृत्ति होती है आ, तो इस सेल्फ स्टार्टिंग एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर नहीं होती जवाब है कैन रोटेट इन वन डायरेक्शन ओनली केवल एक दिशा में गुंडन करती है केवल एक कुंडली की आवश्यकता होती है स्वतः स्टार्ट होती है ये तीनों ऑप्शन चारों ऑप्शन क्या है गलत है तो आपका आंसर बी हो गया बहुत आसान क्वेश्चन था है ना तो आपका आंसर बी हो गया अगला प्रश्न पे आ जाइए प्रश्न कह रहा है कि खाली जगह से एकल कला प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा बदली जा सकती है भाई एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की जो घूर्णन दिशा है वो कैसे बदली जा सकती है देखो ये मैं आपके सामने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को बना रहा हूँ ठीक है ये मैंने आपके सामने बना दिया ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच मैं यहाँ पर भी जोड़ू कहीं पर भी जोड़ू मेरी इच्छा है मैं जहाँ जोड़ना चाहूँ और ये आपका मैंने रोटर भी डाल दिया यहां पर ठीक है दोनों चीजें मैंने इसके अंदर डाल दी अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं क्या करूं क्या मैं सप्लाई के को बदल दूँ सिंगल फेस सप्लाई जो है इसके टर्मिनल को बदल दूं ऐसा करने से हो सकता है क्या या देखना ये वाली ये वाला ये वाला जो पॉइंट है ठीक है इसका है ए दो सेकेंड इसका है ए ठीक है और इसका है बी इसका है सी इसका है डी ठीक है मतलब ये वाला जो टर्मिनल है वो आपके यहां जोड़ रहे हैं जो अंदर मैंने लिखे हुए हैं रनिंग वाइनिंग के और ये जो दोनों लिखे हैं ये स्टार्टिंग वाइनिंग के यानी सी और डी इसके हैं और ए और बी क्या है इसके रनिंग के अब बताओ क्या करना चाहिए दोनों कुंडलियों के संयोजन को उल्टे कर दो भाई दोनों को ही उल्टे कर दोगे तो क्या इसकी दिशा बदली जा सकती है परावर्तक कुंडली यानी कि रिवर्सिंग द कनेक्टिंग टू ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन बदल दो आपूर्ति आप के संयोजन उल्टे कर दो या उल्टा करके स्विच का प्रयोग करें देखो जो स्विच आपने यहाँ लगा रखा है क्या वो स्विच को उल्टा कर दें उससे ये डीओआर बदली जा सकती है डीओआर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डीओआर कैसे बदल सकते हो दोनों कुंडलियों के अगर आपने बदल दिए भाई बी को डी डी को बी दोनों कुंडलियों के बदले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि बात तो वही हो जाएगी बात तो वही हो जाएगी अगर जा दोनों कुंडली के बदलते हो दोनों में से किसी एक कुंडली के दोनों में से किसी एक कुंडली के आपको कनेक्शन क्या करने रहेंगे बदलने रहेंगे बताइए क्या आंसर आएगा आपका क्लास लंबी होगी क्या आज जल्दी से बताओ भाई हाँ, देखो पहन खा यहां इसका आंसर है केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग के बदल दो अब मैं इसका आंसर सही जो आंसर इसको लिखता हूं या तो रनिंग के वाइंडिंग के वाइंडिंग के या फिर या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग के के कनेक्शन बदलो के दोनों में से दोनों में से किसी एक के किसी एक के कनेक्शन को अगर आप बदल देते हो या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन बदल दो या रनिंग वाइंडिंग के बदल दो या दोनों में से किसी एक के बदल दो, दोनों में से किसी एक के बदल दो तो ही आप DOR, direction of rotation को उल्टा कर सकते हैं तो आपको क्या बोल रखा है परावर्तक कुंडली यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन को बदल दो तो बी ऑप्शन जो है आपका सही है अगर दोनों को बदलोगे तो भी दिशा नहीं बदल रही अगर दोनों में से या स्विच के बदल रहे हो तो भी दिशा नहीं बदल रही या सप्लाई टर्मिनल को बदल रहे हो तो भी दिशा नहीं बदलेगी सिर्फ और सिर्फ या तो रनिंग के बदलो या स्टार्टिंग के बदलो दोनों में से किसी एक के बदल दो चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए ठीक है अगला क्वेश्चन बताइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए बहुत आसान है सिक्रोनस गति के लगभग पिचहत्तर प्रतिशत गति पर अपकेंद्रीय स्विच यानी अपकेंद्रीय स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई की आपूर्ति से अलग कर देता है अब काफी सारे बच्चे ऑक्सिलरी वाइंडिंग को नहीं समझ पाएंगे है ना देखो एक तो होती रनिंग वाइंडिंग पंखे के अंदर और एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों पैरलर में जुड़ी होती है देखो मैंने पैरेलर में जोड़ दी ठीक है और यहां देंगे सिंगल फेस सप्लाई ठीक है और यहां पर एक लगेगा सेंट्रिफिगल स्विच सेंट्रिफिगल स्विच मैंने लगा दिया और ये रहा आपका रोटर ठीक है मेरे को बार बार ये चित्र बनाना पड़ेगा तो स्टार्टिंग वाइनिंग है स्टार्टिंग वाइनिंग है इस स्टार्टिंग वाइनिंग को भी, को ही इस स्टार्टिंग वाइनिंग को भी ऑक्सिलरी वाइनिंग भी कहा जाता है क्या कहते हैं ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वाइनिंग भी कहते ठीक है और, और जब ये रोटर जब ये रोटर जो है जब ये रोटर जो है कितना परसेंट गति करने लग जाए भाई पिचहत्तर परसेंट से ज्यादा पचहत्तर परसेंट से ज्यादा गति करने लग जाए तो फिर क्या होगा तो फिर क्या होगा कौन सी वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस कौन सी वाइंडिंग चलती रहेगी पचहत्तर प्रतिशत रन हो जाए कौन सेंट्रीफिगल फिगल स्विच सेंट्री जब रोटर पचहत्तर परसेंट रन हो जाए तो सेंट्रीफिगल स्विच सेंट्रीफिगल स्विच क्या करेगा कौन सी वाइंडिंग को बंद कर देगा स्टार्टिंग वाइंडिंग को यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसका दूसरा नाम है इसको हटा देगा हटाने के बाद फिर कौन सी वाइंडिंग काम करेगी फिर कौन सी वाइंडिंग जो है काम करेगी तो यहाँ जो काम यहाँ जो दिखाई दे रही है आपको वाइंडिंग इस वाइंडिंग का क्या नाम है इस वाइंडिंग का क्या नाम है इस वाइंडिंग का नाम है रनिंग वाइंडिंग वाइंडिंग इस रनिंग वाइंडिंग को और किस नाम से जानते हैं? मेन वाइंडिंग वाइंडिंग देखो ऑप्शन में है क्या बिल्कुल रनिंग वाइंडिंग ऑप्शन में है ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर काफी सारे बच्चे जवाब सही दे रहे हैं सर है बहुत बढ़िया मजा आ रहा है एक बार यस सर करें जितने भी बच्चे भी क्लास देख रहे हैं एक बार यस सर करें सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं एक एक चीज मजा आ रहा है पढ़ने में तो आप एक बार यस सर करें मैं एक एक चीज को समझा समझा के बता रहा हूँ आराम से बोल रहा है स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में स्टेटर में दो समानांतर वाइंडिंग प्रदान की जाती है जो एक दूसरे से कितनी कोणीय दूरी पर जुड़ी होती है हाँ कितने कोणीय दूरी पर विद्युतीय रूप से कितने या डिग्री पर जुड़ी होती हैं है ना मैंने वही जो मैं अभी फिगर बना रहा था ना थोड़ी देर पहले उसी फिगर को मैंने अब थोड़ा सा जो वास्तविक फिगर होता है उसके अनुसार बना रहा हूँ है ना ठीक है इसमें दो वाइंडिंग लगाई जाएंगे एक दो तीन एक दो तीन चार एक दो तीन एक दो तीन चार एक ग्रुप वाइंडिंग का आपका ये वाला रहेगा एक ग्रुप वाइंडिंग का आपका ये वाला रहेगा ये वाला ग्रुप रहेगा ये वाला ग्रुप रहेगा ठीक है इसी ग्रुप का सपोर्ट ये वाला ग्रुप कर रहा है दूसरी दिशा में मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही हैं लेकिन एक ग्रुप और लगा हुआ है यहाँ पर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है ठीक है ये वाइंडिंग अलग है ये वाइंडिंग अलग है बोलो हाँ या ना बात समझ में आई अथवा नहीं आई और तब मोटर जो है आपका घूर्णन करता है जब तभी मोटर आपका घूर्णन करता है यानी कि ये मैंने आपके कनेक्शन यहाँ हटा दिए इस प्रकार से क्या होता है ये स्टेटर है स्टेटर के अंदर कितनी वाइंडिंग लगी हुई ऐसे वाइंडिंग लगी हुई है बताइए ये दोनों कितने डिग्री अंश पर जुड़ी होंगी तो ध्यान रखना ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री अंश पर कितने डिग्री अंश पर 90 डिग्री अंश पर 90 डिग्री सभी एक दूसरे से कितने डिग्री अंश पर जुड़ी है 90 डिग्री नब्बे डिग्री विद्युत अंश कौन सा अंश नब्बे डिग्री विद्युत अंश नब्बे डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री पर जुड़ी रहेंगी तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जो है सही आंसर है और यही थ्री फेस वाइनिंग होती यही अगर कौन सी वाइंडिंग होती थ्री फेस होती तो ये कितने डिग्री पर जुड़ी होती तो 120 डिग्री विद्युत अंश पर जुड़ी होती बोलो हाँ या ना बैठा नहीं बैठा दिमाग में दिमाग की बत्ती खुल तो रही है ना सभी की 90 डिग्री विद्युत अंश पर जुड़ी रहती है ठीक है विद्युत अंश कितना डिग्री का बनना चाहिए अब मैंने यहाँ चार बनाई है तो यहाँ पर्टिकुलर तीन डिग्री को चार में डिवाइड करोगे तो नब्बे आ गया अगर ये चार की जगह और भी होती तो भी नब्बे डिग्री विद्युत अंश पर ही जुड़ती ठीक है।, है ना बोलो हाँ या ना समझ में आ रहा है अरे देवताओं मेरे हिंद बोल तो मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग वर्निंग ही बोल रहा हूँ इसको मैं और हिंदी में किस नाम से बोलू या इंग्लिश में किस नाम से बोलू बात तो एक ही है चलिए नब्बे डिग्री आ गया आंसर अगले पे आज अगला प्रश्न किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को खाली जगह द्वारा बदला जाए अब ये जो क्लास स्टार्टिंग से देख रहे हो वो बच्चे इसका जवाब आराम से दे देंगे बहुत आसान है टीजी टू में 2019 में आया हुआ प्रश्न दो हजार उन्नीस का आया हुआ प्रश्न है, जल्दी से दीजिएगा जवाब ठीक है 180, 120 डिग्री थ्री फेज मोटर में आएगा बेटा एमडी मुस्ताक है ना मोतीलाल बोई यस सर बेटा बहुत बढ़िया किसी एकल फेस मोटर के चक्रण की, की दिशा को कैसे बदल सकते हो सभी दो जवाब इसको आसानी से दे सकते हो मोतीलाल बोई का जवाब आ गया है ए ऑप्शन ए ऑप्शन में देख तो लूँ चल या प्रारंभिक टर्मिनल में किसी एक में बदल बहुत बढ़िया देखो जो बच्चे हैं ना शुरुआत से क्लास देख रहे हैं उनको बहुत सारे डाउट आज क्लियर हो गए होंगे ना देखो या तो स्टार्टिंग या तो स्टार्टिंग या तो स्टार्टिंग के या किसके रनिंग के रनिंग को मैन भी कहा जाता है और इसको ऑक्सिलरी भी कहा जाता है ठीक है मैन मैन तो या तो मैन के या ऑक्सिलरी के दोनों में से किसी एक के किसी एक के बताओ ये वाली बात दिमाग में रहेगी या नहीं रहेगी ऐसा कौन सा बच्चा जो भूल जाएगा कोई नहीं भूलेगा सबको याद रहेगी एक बार यस सर बोलो सभी को याद रहेगी ये वाली बात तो, तो ए ऑप्शन आज तो हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक देख रहे हैं आज हम सिर्फ बेसिक बेसिक देख रहे हैं आज तो हम सिंगल फेस का सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का सिर्फ हम बेसिक देख रहे हैं कल आएंगे कैपेसिटर मोटर पर क्वेश्चन और धमाकेदार क्वेश्चन आने वाले मजा आ जाएगा आप सभी को आप सभी बोलेंगे कि पढ़ाई तो ऐसे ही होती है जो तरीके से सर करा रहे हैं अभी क्लास में ना वैसे ही पढ़ाए तो ध्यान सुनो आंसर हो गया आपका तो ए ऑप्शन क्वेश्चन जब अपने मन के मिलते ना तब आता है मजा किसी एकल एक फेज मोटर में शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच विद्युत कोण कितने डिग्री का होता है इलेक्ट्रिकल एंगल कितने डिग्री का होता है आज सिर्फ बेसिक के क्वेश्चन है कल आएंगे कम क्या नाम है आपके कैपेसिटर मोटर के क्वेश्चन फिर आएंगे हिस्टोरिस मोटर और शेडेड पोल मोटर के क्वेश्चन ठीक है फिर इसके बाद धीरे धीरे करके अपन एक, एक के बाद एक चलेंगे सर जी बहुत आई एम गजनी सर क्या बोल रहे हैं मोतीलाल वही सर मैं बहुत भूलना <laughs> नहीं है देवता हूँ आई एम गजनी सर मैं भूल जाऊंगी भूल जाऊंगी मतलब मोतीलाल वही क्या हो आप <laughs> <इस> जाओ <laughs> अच्छा अच्छा तो आपका आंसर कितना आएगा नब्बे डिग्री हर बच्चे को पता होगा इस प्रश्न का जवाब अगला प्रश्न फिर दोबारा से वही है नब्बे डिग्री सेम क्वेश्चन है लेकिन देखो डेट अलग बदल गई डेट बदल गई है है ना डेट 24 तारीख पहला महीना 2019 में आया है ठीक है ये टी जी का है शिफ्ट शिफ्ट देखो यहाँ शिफ्ट चेंज हो गई है शिफ्ट वन और टू है ना दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं अगला प्रश्न बताइए सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर दो वाइंडिंग होती हैं यह दो वाइंडिंग लंबवत रूप से लगे हुए थे इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग और दूसरा कौन सी वाइंडिंग होती है मेन वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग का नाम बताना है ठीक है सर एप्लीकेशन क्लास बेटा एप्लीकेशन क्लास चाहिए तो एप्लीकेशन में आप आ जाइए तसल्ली से पढ़िए मजा आएगा आपको ना वो आपको लिंक करना पड़ेगा इधर ध्यान दो तो मैंने आपको क्या बताया था दो नाम बताए थे है ना एक तो मैन वाइंडिंग है ना मैन ही क्या कहते हैं मैन मैन को ही क्या कहते हैं है? रनिंग है? भी कहते हैं और एक मैंने बताया ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इसको कौन सी वाइनिंग कहते हैं स्टार्टिंग कहते हैं तो एक का नाम तो इसने दे दिया मुख्य वाइनिंग मेन वाइनिंग है ना और दूसरी का नाम आपको बताना है इन दोनों में से कोई एक नाम होगा आर्मेचर वाइनिंग नहीं रोटर वाइंडिंग नहीं रनिंग वाइनिंग नहीं ऑक्सिलरी वाइनिंग होता है नाम डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर आज सिर्फ बेसिक के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने को किसके क्वेश्चन कल देखने कल अपन को कैपेसिटर मोटर के क्वेश्चन देखने चलिए आगे चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ मजा आ रहा है एक बार यस सर करो सभी बच्चे मोतीलाल बोई यस सर अमित अमित बहुत बढ़िया शानदार अमित सामंत जी क्या बोलना चाह रहे हैं भाई देखो अगर किसी को कोई दिक्कत आए कभी भी कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आ रहा उसमें दिक्कत आ रही तो इस नंबर पर कौन कर लेना डबल सिक्स डबल सिक्स टू पर कर लेना डबल सिक्स डबल सिक्स टू पर कर लेना है ना इस पर आप अगर नो पीएम पर कॉल करेंगे फॉर्म को तो मुझसे ही बात होगी और दिन में कॉल करोगे तो फिर क्या नाम है किसी और से बात होगी ना ये नंबर याद रख लो सात आठ नौ दस डबल छे, डबल छ दो है ना ऐसे याद रख लेना बोल रहा है सिंगल फेस मोटर में उपयोग किए जाने वाला संधारित्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा तो मैंने अभी आज जो क्लास स्टार्ट की थी उसमें मैंने आपको बताया था सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का जो फेवरेट फेवरेट ना मतलब उसे चाहिए सबसे भाई आप आ, क्या नाम है आपके आ, किसी बफर में जाओगे तो आप रसमलाई पहले लोगे भाई कि क्या नाम है आप अपना जलजीरा पानी पहले पियोगे मुझे एक बात बताओ इतना सा क्वेश्चन है भले सर रसमलाई दिखाई देगी तो हम वही खाएंगे सबसे पहले ना तो सेम वही क्वेश्चन वही चीज कहाँ पर है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के लिए भी लागू हो जाती है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को क्या दे देते हैं अपन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को में लगाते हैं कैपेसिटर और कैपेसिटर लगाने के बाद में उसे मेन जो कैपेसिटर चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक यानी विद्युत अवघटनी विद्युत अवगटनी इलेक्ट्रोलाइटिक है ना इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चाहिए ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक चाहिए देखो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को कैपेसिटर स्टार्ट को इलेक्ट्रोलाइटिक चाहिए ठीक है और परमानेंट कैपेसिटर मोटर को पेपर टाइप चाहिए और कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन को चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक भी चाहिए और प्लस पेपर भी चाहिए इसको दोनों चाहिए है ना तो ये बात बाद में घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है अब भाई साहब ये हमारे कंप्यूटर महोदय ने ना क्या करा है ना हमारे साथ दुश्मनी निकाली है आज चलो कोई नहीं वो तो है तो है तो इंट्रोडक्शन का ही क्वेश्चन चलिए कोई बात नहीं इंट्रोडक्शन का है है ना क्योंकि फ्रिज में फ्रिज जो होते हैं ना फ्रिज अच्छा तुम्हें मैंने ऑप्शन दे दिया पहला मैंने तुम्हें अपनी तरफ से ऑप्शन दे दिए ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन और यहाँ का जवाब तो मैं तुम्हें दे ही देता हूँ सिंगल फेस प्रेरण मोटर डी होगा अब इस डी में भी सिंगल फेस प्रेरण मोटर में इन तीनों में से कौन सा होगा कैपेसिटर स्टार्ट होगा ये सी का मतलब होता कैपेसिटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होगी या परमानेंट सी यानी परमानेंट कैपेसिटर होगी या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन होगी बताओ कौन सी होगी अब मैंने तुम्हें तो ए बी सी तीन मैंने अपने ऑप्शन दे दिए होगी तो सिंगल फेज मोटर लेकिन सिंगल फेज में इन तीनों में से कौन सी होगी अब तुम ये बताओ बोलो हाँ या ना अब अब अटक गया मामला है ना देखो फ्रिज में हमेशा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का इस्तेमाल होता है ठीक है और वो कौन सी मोटर है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट जवाब बताओ ऐसा कौन सा बच्चा जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया सभी को आ गया क्या चले आगे चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए बोला व्यवसायिक रूप से किस मोटर मतलब सिंगल फेस मोटर को कितने एचपी का बनाया जाता है जल्दी से जवाब दो व्यवसायिक रूप से सिंगल फेस इंडक्शन मोटरों को किस उसका बनाया जाता है कितने एच का बनाया जाता है बताओ भाई तो हमेशा आंसर क्या आएगा बी दो एच का बनाया जाएगा बोलो हाँ या ना यस सर बोलेंगे सभी क्या हुआ एक और होगा घर में इसको ये दे दो या तुम कौन से इससे करती थी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो आपका टू एच पी चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए बोल रहा है सिंगल फेस मोटर के मामले में निम्नलिखित में से कैपेसिटर को प्राथमिकता दी जाती है जल्दी से दे दो जब आप कौन सा कैपेसिटर को प्राथमिकता मैंने भी बताया था जल जीरा पियोगे जाके रसमलाई खाओगे <laughs> तो इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप अब ये कितने माइक्रोफेरेड का होता है जरा इसको भी समझ लो ये दस से दस माइक्रोफेरेड से निम्मी डीजीटी बोलती है 120 माइक्रोफेरेड का रहता है ठीक है लेकिन यहां ध्यान रखना कई मोटर में 60 माइक्रोफेरेड का भी इस्तेमाल होगा वो उसके क्षमता के अनुसार होगा अच्छा कई जगह अगर आप गूगल सर्च करोगे या कहीं और भी करोगे 220 या 240 सौ माइक्रोफेरेट भी बोल देगा बोल सकता है उसमें कोई दोहरा नहीं है लेकिन डीजीटी डीजीटी जो कहती है डीजीटी डीजीटी क्या है आपका जो सिलेबस डिसाइड कर रही है डीजीटी ये क्या कहती है 10 से 120 सौ माइक्रोफेरेट के इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर बोलो हाँ या ना मज़ा आ रहा है ना मोतीलाल बोई अंगूठा भी दिखा रहे हैं और स्माइलिंग फेस भी दे रहे हैं एम डी मुश्ताक भी बोल रहे हैं अमित सामंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया है ना इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप बहुत अच्छा मजा आ रहा हुआ अगला देखो एक फे सिंगल फेस मोटर का घूमने वाला भाग क्या कहलाता है जो आपका सिंगल फेस मोटर जो होती है उसका घूमने वाला भाग क्या कहलाता है पहले ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था आज से 2014 में 2014 से पहले की बात जो थी यानी 10 साल पहले है ना ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था बच्चे भी आपस में डिस्कशन करते थे अच्छा ये बता इस पंखे में क्या घूम रहा है उसमें रोटर घूम रहा है कि स्टेटर घूम रहा है तो बच्चा बड़ा बड़ा मजा आता था उस टाइम पर अब यहाँ बताओ देखो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मोटर दुनिया की कोई भी हो घूमेगा तो रोटर ही लेकिन जो आपके छत वाला जो पंखा होता है ना उसका स्टेटर जो बीच वाला भाग होता है वो स्टेटर बन जाता है और बाहर की तरफ वाला जो आवरण है वो रोटर बन जाता है है ना बाहर होता वो रोटर ही है लेकिन वो खोखला रोटर होता है है ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा रोटर बी ऑप्शन बिल पी द राइट आंसर बोलो हाँ या ना बहुत आसान था क्वेश्चन ये अगले क्वेश्चन पे आ जाइए एकल फेस प्रेरण मोटर की सहायक वाइंडिंग सामान्यता प्रतिरोध क्या होता है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की सहायक वाइनिंग यानी कि ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वाइनिंग का प्रतिरोध कैसा रहेगा बताइए क्या आंसर आएगा निम्न रहेगा उच्च रहेगा कि क्या नाम है आपका ना तो निम्न रहेगा मुख्य वाइनिंग के संदर्भ की तुलना में उच्च रहेगा बताइए क्या आंसर आएगा मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं मेन वाइनिंग ऑक्सिलरी वाइनिंग पतले तार की बनी है तार की बनेगी और मेन वाइंडिंग मोटे तार की बनेगी तार की बनेगी मोटे तार की बनेगी बताइए क्या आंसर आएगा पतला और मोटा याद रखना है बस इतना याद रखना है ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हमेशा पतले तार का बनाया जाता है मेन वाइंडिंग को हमेशा मोटे तार का बनाया जाता है ठीक है बताओ बाकी घेरे अगर आप समान भी कर दोगे ना अगर दोनों के घेरे भी समान दोगे, कर दोगे घेरे क्या कर दोगे समान कर दोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है एक को पतले का बनाना है एक को मोटे का बनाना है। बताओ क्या आंसर आएगा क्योंकि ऑक्सिलरी तो केवल कुछ समय के लिए काम करेगी जब आपने स्विच ऑन किया तो 10 10 सेकंड बहुत ज्यादा होगा दो सेकंड तीन सेकंड काम करेगी तीन चार चार सेकंड में जब तक पंखा अपनी स्पीड नहीं पकड़ लेता पूरा तब तक फिर उसके बाद में वो ये हट जाएगी तो बताइए क्या पतला तार, एकल फेज हाँ दो सेकंड रुकना, दो रुको, रुक रुको 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 एकल फेज मोटर के सहायक वाइंडिंग सामान्यतः प्रतिरोध होता है निम्न होता है किसका बोला गया एकल फेज, सहायक वाइंडिंग ठीक है मुख्य वाइनिंग के तुलना में उच्च होता है ठीक है अब ध्यान सुनो पतला वायर है और किसके बारे में बात कर रहा है सहायक वाइनिंग के बारे में बात कर रहा है पतला तार है इसका प्रतिरोध क्या रहेगा आर ज्यादा रहेगा इसका प्रतिरोध आर क्या रहेगा कब रहेगा तो मेन वाइनिंग की तुलना में ऑक्सिलरी वाइनिंग की जो होगा उसका प्रतिरोध क्या रहेगा मुख्य वाइनिंग के संदर्भ की तुलना में उच्च रहेगा ये आंसर आएगा बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर बताओ समझ में आया या नहीं आया एक बार ये सर करो सभी थम्सअप करो जल्दी से समझ में आ गई बात ऑक्सिलरी रिवाइंडिंग हमेशा पतले तार की बनाई जाएगी और ऑक्सिलरी रिवाइंडिंग का प्रतिरोध जो होगा मुख्य वाइंडिंग की तुलना में सबसे ज्यादा क्या होगा अधिक होगा इसका ज्यादा होगा इसका अधिक होगा इसका क्या होगा अधिक होगा और इसका क्या होगा भाई कम होगा इतना सा याद रखना था परीक्षा क्वेश्चन आराम से हो गया इस वाले क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं तो बी ऑप्शन होगा सही ठीक है बाकी रामायण यहाँ लिखी हुई पढ़ लेना बाद में है ना अगला क्वेश्चन छत के पंखे का घूमने वाला हिस्सा कौन सा होता है बॉडी होता है स्पिंडल होता है रनिंग वाइंडिंग होती है डाउन रोड होती है बताओ क्या आंसर बताओ छत के पंखे की अभी हाल बात आई थी छत के पंखे पे ये क्वेश्चन आ गया अभी और क्वेश्चन बाकी है ना बताइए क्या आंसर आएगा छत का पंखा जो होता है ना उसका उसकी जहाँ पंखड़ी लगाई जाती है ठीक है उसकी जहाँ पंखड़ी लगाई जाती है उसकी जहाँ पंखड़ी लगाई जाती है देखो ये वाला भाग रोटर के समान ही होता है रो... रोटर के समान ही होता है और बीच में जो होता है ना ये वाला भाग ये होता है आपका स्टेटर यह आता है आपका स्टेटर स्टेटर आपका हमेशा क्या रहता है स्थिर रहता है हमेशा क्या रहता है इस स्टेटर स्थिर रहता है और इस पर क्या लगी होती पंखड़ी इस पर क्या लगी होती पंखड़ी समझ लो इस पर क्या लगी होती पंखड़ी लगी होती ठीक है तो आप ध्यान समझो ये किसके समान होता है ये रोटर के समान होता है लेकिन ये किससे कनेक्ट है ये कनेक्ट है बॉडी से कनेक्ट है ये बॉडी से कनेक्ट है बॉडी से कनेक्ट होता है ठीक है हाँ या ना बोलो आपका आंसर क्या आ जाएगा बॉडी हो जाएगा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा है ना लेकिन इसको बॉडी भी बोल सकते हो घूमने वाला भाग होता तो रोटर ही है लेकिन इसको बॉडी में कंसिडर कर लिया जाता है अगले पॉइंट पे आ जाइए अगला क्वेश्चन सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का क्या उपयोग है सीलिंग फैन यानी आपके छत का पंखा गति बढ़ाना वोल्टता बढ़ाना फैन को दी गई वोल्टता को कम करना धारा को बढ़ाना देखो रेगुलेटर रेगुलेटर से रेगुलेशन रेगुलेशन वर्ड निकलता और रेगुलेशन का मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना लेकिन ये तो पुराना जमाने में चला करते थे लेकिन उसी के अनुसार ये क्वेश्चन भी डिजाइन किया गया है ना तो बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से सीलिंग फैन के लिए कौन से वाले मतलब किस तरीके के क्या किया जाता है रेगुलेशन किया जाता है रेगुलेटर से हमेशा क्या होता है रेगुलेशन होता है और रेगुलेशन क्या रेगुलेशन क्या, क्या काम करता है किसको कम और ज्यादा करेगा और जब ये कम और ज़्यादा होगा तो गति तो अपने आप ही कम और ज़्यादा हो जाएगी गति और गति तो अपने आप ही तो रेगुलेटर किसको कंट्रोल कर रहा है इसको और वोल्टेज के कम और ज़्यादा होने से क्या हो रही गति तो पहले गति को तो कम करो गति को तो हटाओ गति यूं हटा रहे हैं अपन कि भैया गति नहीं गति को तो कौन कंट्रोल करेगा वोल्टेज तो वोल्टेज को बढ़ाना भाई बढ़ाना भी होता है लेकिन घटाना भी होता है फैन की दी गई वोल्ट था वो कम या ज्यादा करना है ना सीलिंग फैन की सर्किट में रेगुलेटर अब देखो ध्यान सुनो यहां पर दो बातें देखो आपको 240 वोल्ट दिए आपने पंखे को तो पंखा की आपके आरपीएम मान लो 1500 आरपीएम वाला पंखा है आरपीएम वाला पंखा बिना रेगुलेटर के बिना रेगुलेटर बिना रेगुलेटर के कोई पंखा कितने आरपीएम पे चल रहा है 1500 आरपीएम, आर 420 चार सौ चालीस चार वोल्ट दिए चार सौ दो वोल्ट दिए 220 से 240 वोल्ट आपने दिए तो आपका बिना रेगुलेटर के ये पंखा चलेगा 1500 आरपीएम पर लेकिन अब आपको क्या लग रही है सर्दी लग रही है तो अब आप क्या करेंगे रेगुलेटर लगाएंगे और इस स्पीड को क्या करेंगे डाउन और डाउन करने के लिए आप किसको कम करेंगे वोल्टेज को कम कर देंगे है ना वोल्टेज को कम कर देंगे तो आपका आंसर फैन को दी गई वोल्टता को कम करना और रेगुलेशन का मतलब क्या होता है किसी चीज को घटाना और बढ़ाना तो अब आपने कम कर दी कम करने के बाद फिर बढ़ा करके आप 1500 सौ ले जाना चाह रहे हो तो वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हो तो फैन की दी गई वोल्टता को वो कम करना ये आपका आंसर प्राथमिक रहेगा दूसरा आपका आंसर यहां पर बन सकता है फैन की दी गई वोल्ट था वो कम या ज्यादा करना लेकिन वो कभी भी 240 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकती ये भी बात ध्यान रखनी पड़ेगी इनपुट तो अपना वही आ रहा है घरों में जो आ रहा है तो आपका सी ऑप्शन यहां सही होगा गति बढ़ाना ये गलत हो जाएगा वोल्टता बढ़ाना 220 सौ बीस वोल्टेज से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी हाँ अगर यहां पहले लिखा होता की वोल्ट वोल्टता को कम या अधिक करना तो आपका आंसर ये हो सकता था तो फैन की दी गई वोल्टता को कम करना ये आपका आंसर यहां पर तक तो मैच कर रहा है ये बात बिल्कुल सही है इसके आगे भी आप जोड़ सकते हो बढ़ाना भी जोड़ सकते हो लेकिन बढ़ेगा कहां तक 240 सौ चालीस वोट भाई जितना आ रहा है घरों में उतना ही तो बढ़ेगा उससे ज्यादा थोड़ा ना बढ़ा सकते हो तो आपका आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा ये नोएडा मेट्रो टेक्नीशियन दो में पूछा गया प्रश्न है ऐसे क्वेश्चनों में फंस जाता है मामला ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया गया होगा सी ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट हो ठीक है थीके? अब मेरी बात ध्यान सुनो सही बच्चे थी. देखो कल हम क्या पढ़ेंगे दोबारा सुन लो कल हम क्या पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे कैपेसिटर मोटर ठीक है तो कैपेसिटर मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है आज सिर्फ इंट्रोडक्शन मान लो ये इंट्रोडक्टिव क्लास मानो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर से जो क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में पूछे जाते हैं एक तरीके से इनका विशेष रूप से किसी स्पेशल मोटर से संबंध नहीं है अब स्पेशल मोटर कम कम्प्यूटेटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पड़ेंगे परमानेंट कैपेसिटर पड़ेंगे और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर पड़ेंगे कल कैपेसिटर मोटर ये तीनों पड़ने वाले हैं फिर उसके बाद में हिस्टोस मोटर भी पड़ेंगे उसके बाद में आपका रिपलसन मोटर भी पड़ेंगे इसके बाद में आपका यूनिवर्सल मोटर तो मैंने आपको कंप्लीट कराए दिया रिलैक्टेंस मोटर भी पड़ेंगे और शेडेड पोल मोटर भी पड़ेंगे तो कल जो है इन सब के क्वेश्चन आने वाले शेडेड पोल रिपल्सन कैपेसिटा इन सब के तो बन बाय अपन करने वाले रेजिस्टेंस भी हो सकता हाँ ये बच्चे ने क्वेश्चन बहुत अच्छा करा ये पुराने जमाने वाला था मामला पुराना पुराना वाला जो आपके रेगुलेटर आया करता था घरों में चट, चट 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 करने वाला चार पांच पॉइंट चला करते थे आप में से काफी लोगों ने देखा होगा काफी लोगों ने नहीं भी देखा आजकल भी होता है पुराने टाइम में बड़ा सा होता था लेकिन आजकल जो नया आ रहा है न्यू जो आ रहा है न्यू न्यू जो आ रहा है वो रेजिस्टेंस आधारित है जो अपने घरों में आजकल जो नया रेगुलेटर आ ना वो रेजिस्टेंस आधारित है रेजिस्टेंस आधारित है रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करके भी करा जा सकता है है ना कि नहीं लेकिन ये विद्युत धारा ये खपत ज़्यादा कर देता है पुराना वाला खपत नहीं करता था खपत बिल बिल उतना ही आता था आजकल वो रेगुलेटर वाला आ गया ना तो वो थोड़ा सा आपका सही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक टाइप होता है रजिस्ट्रेंस टाइप हो जाता है चलिए जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहें कोर्सेज में वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें पर्टिकुलर और आज दिन में जो बच्चे एप्लीकेशन वाले हैं वो आज क्लास पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ताकि उनको कल जब प्रैक्टिस कराएंगे ना इस क्लास के अंदर आ करके तो आपको और मजा आएगा ठीक है तो आज चार बजे वाली क्लास में जुड़ना मत भूलना कल हमारा सेगमेंट जो रहेगा वो ये वाला सेगमेंट अपन कंप्लीट करेंगे कल की कल की यूट्यूब की क्लास में इसको अपन एप्लीकेशन में आज हम इसको पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट परमानेंट कैपेसिटर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर ठीक है ओके गुड okay, बाय थैंक यू बेस्ट ऑफ लक जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं ठीक है बाकी सारी चीज़ें आज के लिए धन्यवाद कर रहे हैं कल फिर मिलेंगे नई जानकारी से नई चीज़ों का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना संडे की जो क्लास मैराथन होने वाली मैं भी मैराथन लेने वाला हूँ है ना तो उसके लिए आप तैयार हैं कल सर एप्लीकेशन सर एप्लीकेशन क्लास च, चाहिए एप्लीकेशन की क्लास चाहिए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इस नंबर पे आप अभी कॉल कर लो मैडम उठाएंगे सेवन एट नाइन वन जीरो डबल सिक्स डबल सिक्स टू इस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे तो इस टू नंबर लगा के कॉल कर लेंगे तो भी उठ जाएगा फोर नंबर लगा देंगे टू की जगह तो भी उठ जाएगा नौ नंबर लगाएंगे तो भी उठ जाएगा तीनों में से किसी भी नंबर पर सकते हैं लेकिन नौ नंबर आपको पीडीएफ पीडीएफ चाहिए तो आपको नौ नंबर पर लगाना है कोर्स वगैरह चाहिए तो दो नंबर पर लगाओ चार नंबर पर लगाओ है ना कोर्स के लिए दो नंबर चार नंबर और मुझसे बात करनी है तो इसी नंबर पर आप कॉल लगाना शाम को नौ पी पे मुझसे बात करनी है तो शाम को नौ बजे इस नंबर पर कॉल लगाना सेवन एट नाइन वन जीरो डबल सिक्स टू पे है ना सात आठ नौ दस डबल छः डबल छः दो पे कॉल लगा लेना ओके गुड बाय थैंक यू कल फिर मिलेंगे